तो हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट ब्लॉग। तो अभी पूरा रूम जो है अस्त व्यस्त है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, ब्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। इसका कारण यही था कि हम रूम के डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए थे। रूम का हालत कुछ आप लोग पहले के वीडियो सब में देखे होंगे, बहुत ख़राब था, लेकिन ये अच्छा हो गया है। उसी रूम को रिपेयर कराए हैं, जैसा कि वो तो रेक पहले से ही था। ये जो सामने देख रहे हैं इसको हम अभी बनवाए हैं, मतलब अभी पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं सिस्टम अभी बना है। तो ये सिलेंडर यहाँ चला जाएगा और गैस चूल्हा वगैरह सब यहाँ रहेगा। और जो बर्तन का ये जो सब अभी देख रहे हैं अभी पेंटिंग हुआ, अभी थोड़ा देर पहले ही पूरा पेंटिंग ऊपर नीचे, ये रूम जो देख रहे हैं ये भी पूरा पेंटिंग हुआ है। तो बर्तन का सेगमेंट जो है वहाँ पर लगाएंगे और बाकी सब इस रूम को पूरा, मतलब सब रूम पेंटिंग हुआ है। और ये जो नीचे देखे थे पानी भर जाता था, ये काफ़ी नीचे था, तो इसको क्या करवाए हैं, इसको ऊपर करवा दिए, मतलब इस रूम के लेवल में ही करा दिए हैं, ताकि हमको मतलब ज़्यादा आसानी हो, मतलब पानी ना आए। और ये देख रहे हैं ये दीवार खड़ा किए हैं और ये जो देख रहे हैं, और बाहर तरफ से भी ये जो नाली यहाँ पे था नाली को हटा दिए हैं और पूरी तरह से इसको पूरा, मतलब वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ से पानी आता था, तो उसको क्या किए हैं, इसको छोटा सा बस नाली देखे और छोड़ दिए हैं। और बाकी ये अभी पेंटिंग देख रहे हैं, ये इसी तरह का हाल था पहले, ये कल पेंटिंग हो जाएगा, मतलब पेंटिंग में अभी एक दिन और लगेगा। और बाकी ये देखिए पेंटिंग हुआ है, उसका बाल्टी फाल्टी यहाँ पड़ा हुआ है। और बाकी फ्रिज को यहीं पे रखने का प्रोग्राम है, यहीं पे सेट कर देंगे इसको। और बाकी ये रूम जो देखिए बेडरूम है, इसका भी पूरा पेंटिंग का काम जो है पूरा लगभग कम्प्लीट हो गया है। और देखिए अभी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बेड पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि इसी पर सब सामान जो है किचन का पूरा सामान सब इसमें डाल दिए थे। और ये हो गया आपका पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पेंटिंग हो गया। और आइए अब ये रूम देखिए, ये रूम बहुत नीचे था, ये फ्रेश बना है, ये जो देख रहे हैं ये पूरा सामान सब अभी बिखरा पड़ा है। और ये रूम में पेंटिंग वेंटिंग पूरा कम्प्लीट है। और इधर आइए बाहर, ये बाहर में भी पूरा पेंटिंग वेंटिंग सब हो गया है। और बाहर में ये जो देख रहे हैं ये हम बनवाए हैं स्पेशली किस लिए, तो गाड़ी रखने के लिए, गाड़ी रखने में बहुत प्रॉब्लम होता था इसलिए इसको हम लगवाए हैं। और बाकी और क्या, और सब यहाँ पे बैठा उठा जाएगा, यहीं पे सोफ़ा वोफा सोच रहे लगवाएंगे और इस रूम को स्टडी रूम बना दिया जाएगा पूरी तरह। और रूम भी ऊँचा करवा लिए हैं और खर्चा तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन छोड़िए, बोनस पूरा जो है इसी में चला गया। और बाकी और भी चीज़, मतलब बहुत दिनों से लगे हुए, करीब मानिए कि 10 दिन से हम रूम रिपेयर में लगे हुए थे। शुरू में सामान सब लेके आए थे, सोचे कि खुद से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, बाद में मिस्त्री को रखना पड़ा। और करीब 10 दिन तक रूम में काम लगातार चलते रहा और आज भी चल रहा है, आज 10वां दिन है, कल 11वां दिन होगा, तो कल भी काम चलेगा। और देखते हैं पूरा सब कुछ ठीक करने में हमको अभी 5-6 दिन और लगेगा, क्योंकि रूम को अभी सेट करना पड़ेगा पूरा। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, इसको भी रिपेयर करवाना है, ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं रिपेयर करवाना है इसको। और बाकी अब देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कराया जाएगा। पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो गए थे, क्या है कि ड्यूटी भी करना है, रूम का भी काम करवाना है, और फिर मतलब बहुत घर का भी काम करना, मतलब बहुत पूरा बिजी व्यस्त लाइफ चल रहा था अभी 10 दिन, इसीलिए हम वीडियो वगैरह सब कुछ नहीं बना पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं घूमने भी चले गए थे एक दिन, जो आप लोग वीडियो देखे होंगे वही छोटा सा प्रोग्राम था उसी में गए हुए थे। और आज है 8वीं और सब लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा, और आप लोग दुर्गा पूजा में घूमिए, मज़ा कीजिए। और हम भी होगा तो 9वीं को घूमने के लिए जाएंगे, और जितना भी बोनस वोनस आया था 17,951 रुपया टोटल का टोटल रूम में ही लग गया, लेकिन अब रहने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत लोग कमेंट्स भी आता था कि रूम चेंज कर लीजिए, चेंज करने का बहुत सोचे लेकिन चेंज करना नहीं हो पाया, बहुत सारा कारण है, कभी फुर्सत में बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। टास्क मिला इस मतलब पूरा किचन को सजाने का, तो किचन को पूरा सेट करने का हमको टास्क मिला है, मैडम जी वो भी वहाँ पे पूरा व्यस्त हैं। हम जो है हम भी पूरा इसको काम हम पूरा कर लेते हैं, और पूरा रूम का टूर तो आप देख लिए, अब इसके बाद क्या होगा एक बार पूरा ठीक ठाक कर लेंगे पूरा रूम को। और आगे में जो देखें एक गेट लगेगा
रूम को पूरा सेट सेट कर लेंगे, सेट कर देंगे, उसके बाद फिर से एक फ्रेश वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका रूम का पूरा टूर रहेगा, जिसमें पूरा मतलब किस तरह कौन सा सामान कहाँ है उस अनुसार से होगा। और रूम में अभी भी एक सोफ़ा का कमी है और एक बेड का कमी है, वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ेगा। और बहुत ही जल्द SM का रिजल्ट अभी आने वाला है तो उसका भी वेट कर रहे हैं। तो रूम पूरा सेट कर लिए हैं, मतलब हो गया, सेट होने में मतलब टाइम लगेगा क्योंकि अभी क्या हुआ कि अभी टाइम लगेगा बस। मतलब हम मेरा प्रोग्राम था कि दिवाली से पहले तक रूम पूरा ठीक कर लेंगे ताकि रहने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा, तभी वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा और आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा। थोड़ा बदला बदला रहेगा तभी जाके मज़ा आएगा। तो फुल्ली डेकोरेटेड रूम मतलब अब मिलेगा आपको, उसमें वीडियो बनाएंगे और उसमें सब कुछ करेंगे। तो अभी दो तीन दिन और होगा, तो दो तीन दिन चार दिन और वीडियो नहीं आ पाएगा। तो किसी तरह हम लोग मैनेज करके और ठीक ठाक करके ये। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।